Students, students, today we will start a new chapter history in earlier cities. यानी सबसे शुरुआत में कौन कौन सी सिटीज़ बची, ठीक है, यानी सबसे पहले कौन सी सिटीज़ बनी, कैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, ठीक है, हम इन सब चीज़ों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारी, जिसको हम सिविलाइजेशन से, इंडिया में सिविलाइजेशन की शुरुआत मानते हैं, वो मानते हैं हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से, ठीक है. तो हम हड़प्पा को ऐसी सिटी मानते हैं जो सबसे पहले बसी. द स्टोरी ऑफ हड़प्पा, तो हड़प्पा की क्या स्टोरी है, कैसे हड़प्पा का डिस्कवर किया गया, ठीक है. चंडीगढ़ इज वन ऑफ द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटीज ऑफ मॉडर्न इंडिया. आप सब जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड, अच्छे से बनी हुई सिटी है मॉडर्न इंडिया की. इस टाउन प्लानिंग अ मॉडर्न कंसेप्ट और टाउन वर प्लान्ड इन एंशियंट टाइम टू. और क्या जो टाउन की प्लानिंग होती थी मॉडर्न तरीके से, या टाउन अच्छे तरीके से प्लान्ड होते थे एंशियंट इंडिया में भी, ठीक है. क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आज की हम अपनी सिटी को बसाते हैं, सिटी आज कल बनी हुई होती हैं, ऐसी ही सिटी क्या पहले भी बनी होती थी? तो क्या आप ऐसे किसी नेम को जानते हैं हिस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पर टाउन अच्छे से प्लानिंग होते थे, ठीक है, बहुत अच्छे से बना हुआ होता था हिस्ट्री में, तो ऐसी, या फिर आपने सोचा है कि व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ जो अर्बनाइजेशन है उसकी शुरुआत हुई? तो ओरिजिन ऑफ अर्बन प्लानिंग इन इंडिया कैन बी ट्रेस इन प्लान टाउन ऑन ऑफ मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा बिलोंगिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन. जो हम अर्बन प्लानिंग की शुरुआत मानते हैं इंडिया में, ठीक है, यानी जहाँ पर प्लान्ड टाउन को शुरुआत हुई, वो कहाँ पर हुई, मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा में, ठीक है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं. बिफोर वी लर्न अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेट्स अस फाइंड अंडरस्टैंड व्हाट इज सिविलाइजेशन. जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन क्या होती है, ठीक है. तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है. What is a civilization? Civilization क्या है? The stage when a society reach a particular threshold of development is referred to as civilization. एक ऐसी society जब वो अपने particular पूरे development पर पहुँच जाती है, यानी बहुत तरीके से वहाँ पर हर तरीके से development होने लगता है, तो हम उसको civilization कहते हैं. How did this process start? लेकिन ये process कैसे start हुआ, यानी ये जो civilization का सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी. देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कि जहाँ पर सभी चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी हों, जैसे डेवलप्ड कल्चर आपका डेवलप हो चुका हो, आपका टाउन, आपकी सिटी, क्राफ्ट, ट्रेड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेवलप हो चुकी हो, और इसके साथ ही वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो, यानी एक बहुत अच्छी सी गवर्नमेंट भी हो, ठीक है. तो लेकिन इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, इट ऑल बिगेन ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ नियोलिथिक पीरियड. और हम इसकी शुरुआत कब से मानते हैं, कि जब नियोलिथिक पीरियड, अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना नियोलिथिक पीरियड, जब नियोलिथिक पीरियड का लेटर पार्ट, यानी लास्ट वाला पार्ट चल रहा था, एंड होने लग रहा था नियोलिथिक पीरियड का, तो उस टाइम में हम इसकी शुरुआत को मानते हैं. दिस वॉज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इन विच पीपल डिस्कवर्ड एंड स्टार्ट यूजिंग मेटल टूल्स अलोंग विद स्टोन टूल्स. और ये कौन सा पीरियड था, ऐसा ट्रांजिशन पीरियड था जहाँ पर लोगों ने डिस्कवर करना शुरू कर दिया था, खोज करना शुरू कर दी थी, और या फिर और स्टार्ट कर दिया था स्टोन टूल्स के साथ साथ मेटल के टूल्स को यूज़ करना भी, ठीक है. यानी वो अब तक स्टोन टूल का यूज़ कर रहे थे, उसके साथ साथ अब वो मेटल, धातु से बने हुए टूल्स का भी उन्होंने यूज़ शुरू कर दिया था. द पीरियड व्हेन प्री हिस्टोरिक ह्यूमन स्टार्ट यूजिंग मेटल टूल अलोंग विद स्टोन टूल इज रेफर टू एज द चेलोलिथिक पीरियड. यानी चेलकोलोथिक पीरियड क्या, जब वो पीरियड जब ह्यूमन ने मेटल के साथ स्टोन के साथ साथ मेटल का यूज भी शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसको चेलकोलिथिक पीरियड के नाम से जाना जाता है. इट एग्जिस्ट बिटवीन 4500 BC टू 3500 BC. और इसको हम कब से कब तक मानते हैं, 4500 BC से लेकर 3500 BC तक. कॉपर वाज फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड, और कॉपर पहला मेटल था जिसको यूज़ किया गया, ठीक है. द अर्लीस्ट कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. और इस पीरियड में जो शुरुआत की सोसाइटीज थी वो भी डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है. यानी अब इस पीरियड में लोगों ने स्टोन के साथ साथ कॉपर का यूज़ करना भी शुरू कर दिया, कॉपर के टूल्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है.
ब्रोन एज 3300 बीसी टू 1500 बीसी। ब्रोन एज कब से कब तक को मानते हैं हम? 3300 से लेकर 1500 बीसी तक के पीरियड को। ग्रेजुअली अ न्यू अलॉय वाज डिस्कवर बाय मिक्सिंग टीन एंड कॉपर। धीरे धीरे लोगों ने जैसे कॉपर उन्होंने मेटल का यूज़ करना शुरू कर दिया था, उन्होंने टू मेटल्स को मिक्स करके भी नए नए जो है उन्होंने मेटल बनाने शुरू कर दिए। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि कॉपर के साथ टीन को मिलाया और जब उन्होंने टीन को मिलाया तो उन्होंने एक नया अलॉय, ठीक है, नई चीज़ उन्हें मिली। कौन सी मिली? अलॉय ब्रॉन्ज मिला उन्हें। दिस न्यू मेटल वाज मोर ड्यूरेबल एंड देन कॉपर। और ये जो नया मेटल था ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल था कॉपर से, ठीक है। इट वॉज वाइडली यूज बाय द पीपल टू मेक टूल्स। और लोगों ने इसको बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ किया टूल्स बनाने के लिए। तो इस पीरियड को क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इस जो नया उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया था, ये नया जो मेटल बनाया था, ठीक है, इसको क्या इसका जब बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ तो इसी पीरियड को नाम दे दिया ब्रोन एज, ठीक है। दिस पीरियड यानी ये पीरियड जब ब्रोंज का बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ होना शुरू हो गया टूल्स बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो उसको ब्रोन एज कहते हैं। ये एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कब शुरू हुई? 3300 BC विद द बिगनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 3300 बीसी में ही भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी भारत उपमहाद्वीप, यानी जो इंडिया बेटा आज जो इंडिया है, इस इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है जैसे आपका पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ठीक है, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ठीक है, ये चाइना, ये सब पहले इंडिया के अंदर ही आते थे एंशिएंट टाइम में, ठीक है। इन सब को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है, ठीक है। तो उस टाइम पर वहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। हाउ वाज सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? लेकिन ये सिविलाइजेशन कैसे डिस्कवर की गई? इन द ईयर 1856 में ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाना शुरू करेंगे, ठीक है, बिल्ड रेलवे ट्रैक अक्रॉस इंडिया टू रूल इट मोर इफेक्टिवली, ताकि वो भारत में बहुत अच्छे तरीके से रूल कर सके। वाइल द कंस्ट्रक्शन वर्कर वर लेइंग द रेलवे ट्रैक इन पंजाब प्रोविंस ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया एट द साइट ऑफ हड़प्पा नाउ इन पाकिस्तान दे नीडेड ब्रिक्स। यानी जब उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया है यहाँ के वर्कर्स ने, तो बेटा उस टाइम जो पंजाब वाला पोर्शन है, मतलब पंजाब अब तो डिवाइडेड हो गया है, कुछ पोर्शन उसका पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है, तो जो पंजाब प्रोविंस था, पंजाब था, वहाँ पर जब वो रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, यानी हड़प्पा जो जगह है जो कि पाकिस्तान में है, तो उन्हें वहाँ पर ईंटों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। द इंग्लिश इंजीनियर जॉन एंड विलियम बुटॉन केम अपॉन अ स्मॉल क्लम्बलिंग हिल फायर बैक ब्रिक। और जो इंग्लिश जो ब्रिटिश के इंजीनियर्स थे जैसे जॉन एंड विलियम बर्टॉन, वो कहाँ पर? एक छोटे से हिल्स के पास जहाँ पर फायर बेक्ड यानी आग में पकी हुई ईंटें थी। दे डिसाइड टू यूज़ दीज हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और उन्होंने डिसाइड किया कि इस तरीके से बहुत अच्छी वाली क्वालिटी की ईंटों को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द न्यूज़ ऑफ दिस लोकली अवेलेबल ब्रिक्स स्प्रेड बाय वर्ड ऑफ माउथ। और ये जो न्यूज़ थी, ठीक है, ये वहाँ पर जो लोकली ये कि भाई ब्रिक्स वहाँ पर मिलती हैं, ये सबके माउथ से बहुत जल्दी एक दूसरे के यानी एक दूसरे के मुंह से सबसे में फैल गई, ठीक है, यानी एक ने एक को बताई फिर दूसरे ने दूसरे को बताई। इन 1920 सेंचुरी में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे हुआ इंडिया का, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI कंडक्टेड एक्सकेवेशन टू फाइंड आउट सोर्स ऑफ दिस बेक्ड ब्रिक। बेटा उस टाइम ब्रिटिश ने आर्कोलॉजिकल सर्वे करने शुरू कर दिए थे, ठीक है, तो उन लोगों ने आर्कोलॉजिकल सर्वे जब इंडिया में 1920 में जब हुआ तो उन लोगों ने एक्सकेवेशन यानी खुदाई करनी खुदाई के बारे में सोचा, ठीक है, एक्सकेवेशन टू फाइंड खुदाई की, ताकि वो ये जान सकें कि ये जो पकी हुई ईंटें हैं ये कहाँ से आई हैं, सोर्स क्या है,
इन 1920 ड्यूरिंग एन एक्सकेवेशन ऑफ साइट 1921 में जब उस साइट की खुदाई की जा रही थी तो जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे दयाराम साहनी फाउंड स्टोन सील्स. दयाराम साहनी जो थे वो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, यानी जो पुरातत्व वेदा होते हैं, जो पुरातत्व यानी जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं, ठीक है, उन्हें क्या मिला, एक सील मिली, ठीक है, स्टोन की सील मिली. बिटवीन 1921 एंड 1922 आर डी बनर्जी फाउंड स्टोन सील इन लखाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. और 1921 और 1922 में आर डी बनर्जी को भी स्टोन की सील मिली, ठीक है, यानी सिक्के जो सील्स होती हैं बेटा वो सील मिली लखाना डिस्ट्रिक्ट में सिंध में, जो सिंध में है. और सिंध इस वक्त कहाँ पर है, पाकिस्तान में. दीज स्टोन सील वर एटलीस्ट 4500 ईयर ओल्ड जस्ट लाइक द वंस एट हड़प्पा. और ये सील थी, ये सील बिल्कुल 4500 ईयर पुरानी थी, जैसे कि बिल्कुल हड़प्पा में मिली थी. दे कॉल्ड दिस प्लेस एज मोहनजोदाड़ो और द माउथ ऑफ द माउंट ऑफ द डेथ. और इसको क्या कहा गया, इस जगह को मोहनजोदाड़ो कहा गया या माउंट ऑफ डेड यानी मृतकों का टीला, ठीक है. नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन सीज दीज ओल्ड रुइंस और ये जो पुराने अवशेष मिले हैं वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस. द सिविलाइजेशन वर कॉल्ड सिविलाइजेशन, यानी बेटा इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों पड़ा, क्योंकि इस सिविलाइजेशन इसके जो रुइंस हैं, जो इसके अवशेष हैं, वो हमें कहाँ पर मिले हैं, इंडस रिवर के पास. और बाद में हमें बहुत सारी मैनी मोर सिटीज़ वर डिस्कवर और बहुत सारी सिटीज़ डिस्कवर की गई अवे फ्रॉम द रिवर वैली. और इसी रिवर वैली के आसपास दूर जो है बहुत सारी सिटीज़ डिस्कवर की गई. सिविलाइजेशन ने ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पा. और इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा पहली ऐसी सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी सिविलाइजेशन की. बिकॉज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन वाज मेड एट द साइट ऑफ हड़प्पा, यानी हड़प्पा पहली ऐसी साइट थी जो इस सिविलाइजेशन की डिस्कवर की गई. नेक्स्ट है बेटा ज्योग्राफिकल एक्सटेंड, यानी ये जो सिविलाइजेशन थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी. तो जैसे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन रिवील्स दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सटेंड कवरिंग सिंध बलूचिस्तान पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान एंड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. यानी आर्कियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने जब खुदाई की तो उन्होंने पाया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये बहुत बड़े एरिया तक फैली हुई है. जैसे कि कौन कौन से एरिया आते हैं इसमें, सिंध बलूचिस्तान पंजाब हरियाणा गुजरात राजस्थान और वेस्ट यूपी का कुछ पार्ट, ठीक है. द सिविलाइजेशन कवर्ड द टोटल एरिया ऑफ अबाउट 1,29,69,600 स्क्वायर मीटर, ठीक है. मैनी साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड ड्यूरिंग टू डेट ड्यू बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स. बहुत सारी साइट्स बेटा यहाँ पर उसकी खुदाई की गई, लेकिन कौन कौन सी साइट्स हमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन सी है, जैसे हड़प्पा मेहरगढ़ मोहनजोदाड़ो जो किस वक्त पाकिस्तान में है, धोलावीरा और लोथल या गुजरात में है, कालीबंगन इन राजस्थान, राखीगढ़ी एंड बनावली इन हरियाणा, रोपड़ पंजाब में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है. यानी बहुत सारी साइट्स हमें ऐसी मिली हैं, ठीक है. नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. बेटा कौन कौन से फीचर इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं. सबसे पहले ड्यूरिंग हैवी रेन्स वाटर लोग स्ट्रेच इन अ कॉमन साइट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. यानी उस टाइम पर क्या था, बहुत सारी बारिश हुई, पानी बहुत ज़्यादा स्ट्रीट्स पर होता था, ठीक है, और टाउन्स और सिटीज़ में बहुत सारा पानी होता था, ठीक है. वन फैक्टर डेट एग्रेवेट्स द सिचुएशन ड्यूरिंग हैवी रेन इन द सिटी ड्रेनेज सिस्टम. और एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है बहुत अच्छा कि वहाँ पर क्या है, हैवी रेन जो सिटी में होती थी तो उनका ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा था, ठीक है. बट दिस वाज नॉट द केस 5000 ईयर एगो. यानी बेटा कि जैसे हम बारिश के दौरान स्ट्रीट पर पानी भर जाता है तो नॉर्मल सी बातें जो हमें शहरों में और टाउन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है. लेकिन दिस वाज नॉट द केस 5000 ईयर अगो, लेकिन ये 5000 साल पहले वाली बात ऐसा केस नहीं है. पीपल एट द
एट दैट टाइम बिल्ट एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, और उस टाइम के लोगों ने बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है, यानी ड्रेनेज का मतलब पानी निकलने का जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो बनाया हुआ था। और ज़्यादातर सिटीज़ जो थी वेल प्लान्ड थी, बहुत अच्छे से प्लान की हुई थी। द सिटीज़ ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो वर द मोस्ट डिस्टिंग्यूस्ड फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सिटीज़ थी वहाँ पर हमें बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और दोनों ही सिटीज़ के जो फीचर्स हैं, यानी दोनों ही सिटीज़ जो हैं वो वेल नाउन फॉर देयर इम्प्रेसिव वेल प्लान्ड लेआउट, और वो अपने बहुत ही अच्छे जो अच्छे तरीके से प्लान्ड की हुई सिटीज़ हैं उनके लिए जानी जाती है। तो अब हम देखते हैं उन सिटीज़ की प्लानिंग के बारे में, ठीक है, और कैसे लोग वहाँ रहते थे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग ऑफ दिस सिटीज़ वर मेड फ्रॉम द बेक्ड ब्रिक। अभी हमने जैसे पढ़ा कि हड़प्पा में जब वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो वहाँ पर पकी हुई ईंटें मिली, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि उस टाइम में जो बिल्डिंग थी वो पकी हुई ईंटों से बनी हुई थी, ठीक है। द सिटीज और हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड टू डिवीज़न, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिटी है वो दो, उनका जो टाउन का डिवीज़न है वो दो टाउन में दो तरीके से बटा हुआ है। सबसे पहले अपर टाउन और दूसरा लोअर टाउन। अपर टाउन को हम सिटाडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, और इसकी क्या था, वाज बिल्ट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा ऊँचाई पर बना हुआ था, ठीक है। इट हाउस्ड ऑल इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग ऑफ सिटी लाइक ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, वर्कशॉप, फायर अलर्टर, रिलीजियस बिल्डिंग एक्सेट्रा। और ये जो प्लेटफॉर्म था यहाँ पर क्या थे, बहुत सारी पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग होती थी। कौन कौन सी होती थी, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ मतलब बहुत बड़ा स्नानागार जहाँ पर नहाने का काम होता था, ग्रेनरीज, ठीक है, अनाज भंडार जैसे होते थे, वर्कशॉप, फायर अलर्टर, और बहुत सारी धार्मिक जो है इमारतें भी बनी होती। इट माइट हैव बीन द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी, और ये उस टाइम में जो सिटी थी उनके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। द अदर पार्ट, दूसरा पार्ट जिसको लोअर टाउन के नाम से जाना जाता है, नॉर्मली यहाँ पर क्या थे, कॉमन लोग रहते थे और काम करते थे। ये पार्ट जो है वाज लार्जर इन साइज एंड कम्पेयर टू द सिटाडल, और ये सिटाडल के मुकाबले जो है बहुत बड़ा पार्ट होता था। द लेआउट ऑफ द लोअर टाउन वाज वेल प्लान्ड एंड मोस्ट सिटीज हैड अ सिमिलर लेआउट, और जो लोअर टाउन का प्लानिंग थी वो ज़्यादातर हमें सेम ही देखने को मिलती थी, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से वेल प्लान्ड होता था ये लोअर टाउन जो होता था, और ज़्यादातर सिटीज़ हमें सेम लेआउट्स में देखने को मिलती हैं। दिस वाज द रेजिडेंशियल एरिया वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, और ये ऐसा रेजिडेंशियल एरिया होता था जहाँ पर कॉमन लोग रहते थे, और यहाँ की सड़कें, घर, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वर ऑल पार्ट ऑफ द लोअर टाउन, सब ये लोअर टाउन का ही पार्ट था। द स्ट्रीट ऑफ द सिटीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेल प्लान्ड, और अभी हमने पढ़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ थी वो भी वेल प्लान्ड थी, लेकिन जो उनकी सड़कें बनी हुई थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से प्लान्ड थी, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई थी। कैसे बनाई हुई थी, जो मेन सड़क होती थी, मेन स्ट्रीट रन्स पैरेलल टू ईच अदर। मेन स्ट्रीट क्या होती थी, दूसरी जो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल पैरेलल चलती थी, ठीक है। द स्ट्रीट थस डिवाइड द सिटी इंटू स्क्वायर और रेक्टेंगल ब्लॉक्स, और जो स्ट्रीट्स थी वो सिटी को दो तरीके से डिवाइड करती थी, या तो रेक्टेंगल ब्लॉक में डिवाइड करती थी या फिर स्क्वायर ब्लॉक में, यानी रोड इस तरीके से निकाली गई थी कि जो सिटी थी वो या तो रेक्टेंगल की शेप में डिवाइड होती थी या फिर आपकी स्क्वायर की शेप में, ठीक है। हाउस वर बिल्ट ऑन द बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट के दोनों तरफ घर बने होते थे, ठीक है, और द स्ट्रीट वर राउंडेड एट द कॉर्नर फॉर स्मूथ फ्लो द कार्ट ट्रैफिक, और जो स्ट्रीट होती थी जब उनका कॉर्नर होता था वहाँ पर कॉर्नर पर वो थोड़ी सी राउंड होती थी ताकि जो कार्ट, यानी ये जैसे आपके ये घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी है, जब ये यहाँ से राउंड हो तो बहुत अच्छे से ये मूव हो जाए यहाँ से, ठीक है बेटा।
जैसे कि बेटा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ घर बने हुए हैं, ठीक है। ये उनकी नालियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर पानी निकलने के लिए, और उनके घर सारे ही ईंटों से बने हुए हैं, ठीक है। तो और देखिए आप इनकी रूफ भी कितने अच्छे से, तो वेल प्लान्ड, इसीलिए वहाँ की सिटीज़ को बिल्कुल मॉडर्न सिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। द हाउस वर रेक्टेंगुलर इन शेप, हाउस भी रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, एंड मेड ऑफ बोथ क्लीन ईंट, और किससे बने होते थे, ये जो पकी हुई ईंटें होती हैं, एंड द सन ड्राइज ब्रिक, या फिर जो और सन में सूखी हुई ईंटों से। एन एवरेज हाउस कंसिस्ट ऑफ कोर्टयार्ड अराउंड विच वर सिचुएटेड 4-6 लिविंग रूम, और क्या होता था, जो ज़्यादातर घर थे कैसे होते थे, उनमें आंगन होता था, कोर्टयार्ड होता था, और उनके जो चारों तरफ क्या होते थे, चार से छः लिविंग रूम होते थे, ठीक है, छः या चार लिविंग रूम होते थे, चार पाँच छः, बिसाइड अ बाथरूम, और बाथरूम भी होता था और किचन भी होती थी। लार्ज हाउस हावर हैड अ 30 रूम्स, और जो बहुत बड़े घर होते थे वहाँ पर कितने 30 रूम्स होते थे। प्रेजेंस ऑफ स्टेयरकेस इन मैनी हाउसेस, और बहुत सारे घर में हमें स्टेयर्स भी मिली हैं, ठीक है, यानी सीढ़ी भी मिली हैं, जो हमें ये बताती हैं कि वहाँ पर क्या था, सेकंड स्टोरी भी, यानी दो मंजिल के घर भी बने हुए होते थे। बेटा आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कुछ जो है ऊपर की तरफ भी आपको सेकंड फ्लोर पर भी घर बने हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। द डोर ओपन इन टू द लेन, और डोर कहाँ पर होता है, लेन में ओपन होता है, रेदर देन द मेन स्ट्रीट, प्रॉबली कीप अवे डस्ट, मेंटेन प्राइवेसी, और ऐसा शायद इसलिए होता था कि बेटा जो मेन स्ट्रीट से दूर दरवाजे इसलिए खोले जाते थे ताकि उनकी प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके और धूल भी नहीं आ सके, ठीक है। फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर की सप्लाई के लिए मोस्ट हाउसेज हैड देयर वॉन वेल्स, और ज़्यादातर घरों में अपने खुद के कुएं होते थे, ठीक है। और इन एडिशन देयर वर पब्लिक वेल्स टू, और हमें सभी के लिए वहाँ पर पब्लिक जो लोगों के लोग हैं उनके लिए भी कुएं भी मिले हैं, यानी पब्लिक वेल्स भी मिले हैं। वाटर फ्लोड फ्रॉम हाउस टू स्ट्रीट विच हैड ड्रेन, और पानी का घर से हाउसेस से स्ट्रीट की तरफ जाता था, और जो वहाँ से फिर उसके निकलने की जो सुविधा होती थी। ग्रेनरीज यानी अनाज घर, इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग वाज द ग्रेनरी, मोहनजोदाड़ो में हमें बहुत बड़े अनाज भंडार मिले हैं, बट इन द सेटाडल और हड़प्पा एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज हैव बीन फाउंड, लेकिन अगर हम देखें वहाँ की जो सेटाडल्स हैं वहाँ पर 6 ग्रेनरीज हमें मिली हैं, ठीक है। These were probably used to store surplus grain, और ये जो ग्रेनरीज हैं इनका यूज़ जो ग्रेन सरप्लस ग्रेन के लिए, यानी जो उनका अनाज बच जाता था उसके लिए यूज़ करते थे शायद ये ना, ठीक है। ये जो एक्सकेवेशन से लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने यही इससे रिजल्ट निकाला कि जो ग्रेनरीज थे उनका यूज़ इसीलिए होता था। These ग्रेनरीज were located close to the river bank, और ये कहाँ पर होती थी, जो नदी के किनारे जो होते थे उनके आसपास ही होती थी। द प्रोक्सीमिटी ऑफ ग्रेनरीज टू रिवर माइट हैव अलाउड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सरप्लस ग्रेन, और ये जो शायद इसलिए कि ग्रेनरी उनके पास क्यों होती थी कि मान लीजिए अगर उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में या कहीं भी जाना होता था तो वो वहाँ पर अपने सरप्लस ग्रेन को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में उनको हेल्प मिलती थी, या कहीं उन्हें लेके जाना हो या फिर कहाँ उन्हें व्यापार में वहाँ से, ठीक है। टू द साउथ ऑफ ग्रेनरीज सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हैव बीन फाउंड, और ग्रेनरीज के साउथ में हम देखें तो वहाँ पर एक सर्कुलर जो है ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट बिलीव, उन आर्कोलॉजिस्ट का विश्वास है कि दैट दीज माइट हैव बीन यूज टू थ्रेसिंग ग्रेन, और ये जो है अनाज की थ्रेसिंग करने के लिए, अनाज निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। बिकॉज वीट एंड बार्ली हैव बीन फाउंड इन सर्विस ऑफ द फ्लोर, और क्योंकि हमें वीट भी मिला है, हमें बार्ली भी मिले हैं, यानी गेहूँ और जो जो हैं ये हमें वहाँ पर मिले हैं, इसलिए हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस प्लेटफॉर्म को वो थ्रेसिंग के लिए यूज़ करते थे। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ, यानी बहुत बड़ा स्नानागार, यहाँ पर आप ग्रेट ग्रेनरीज को देख सकते हैं बेटा।
तो ग्रेट बाथ जो था, ग्रेट बाथ वाज एन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग सिचुएटेड इन द सेटाडल एरिया ऑफ मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के सेटाडल एरियाज में जो है हमें बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। द ग्रेट बाथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटिफुल ब्रिक वर्क। और जो बहुत बड़ा बाथ है, स्नानागार है, वो एक बहुत ही सुंदर ईंटों से बना हुआ है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईंटों से बने हुए का वर्क का, यानी ईंटों का काम जहाँ पर हुआ है। और ये कैसी शेप में है? ये रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी रेक्टेंगल की शेप में, एक आयताकार शेप में है। द फ्लोर ऑफ बाथ वॉज मेड ऑफ बर्नट ईक। और बाथ का जो फ्लोर है वो किसे पकी हुई ईंटों से बना हुआ है। फ्लाइट टू स्टेप आइदर एंड लेड टू द बॉटम ऑफ द टैंक। और वहाँ पर हमें स्टेप्स भी, सीढ़ियाँ भी देखने को मिलती हैं, जो कि कहाँ तक, टैंक के बॉटम तक जाती हैं। देयर वर साइड रूम फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। और वहाँ पर एक साइड रूम भी है जो शायद कपड़े बदलने के लिए यूज़ किया जाता था। इन वन ऑफ द रूम्स ही वेल बीन फाउंड वी वेल एज बीन फाउंड। और इट इज़ बिली एक रूम हमें ऐसा भी मिला है जहाँ पर हमें बहुत ऐसा मिला है कि इट विल बी बिलीव्ड, ये विश्वास ये माना जाता है कि डेट वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम द वेल, कि जो पानी है वो कुओं से यहाँ से कुओं से ले जाया जाता था। एंड द डर्टी वाटर वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू आउटलेट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द बाथ टू द ड्रेन। और जो ख़राब पानी था वो इस बाथ के कॉर्नर से जो ड्रेन के लिए निकाल दिया जाता था, ठीक है। सम हिस्टोरियंस बिलीव डेट द बाथ कुड हैव बीन सीन यूज टू स्पेशल ओकेशन ड्यूरिंग रिचुअल बाथिंग। और कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये विश्वास, उनका ये विश्वास है कि ये जो बाथ, ये जो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, यहाँ पर लोग इसका यूज़ कब करते थे? किसी स्पेशल ओकेशन पर, ठीक है, यानी किसी धार्मिक कार्य पर, वो जब स्नान का कोई धार्मिक कार्य होता था तब वहाँ पर वो इसको यूज़ करते थे, ठीक है। एट द सम हड़प्पन साइट सच एज कालीबंगन इन राजस्थान, लोथल इन गुजरात, फायर एल्टर हैव बीन फाउंड, वहाँ पर आँख के कुछ अवशेष भी मिले हैं। दे प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल, वो लोगों की धार्मिक लाइफ में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। दीज वर प्रोबेबली यूज टू परफॉर्मिंग सेक्रीफायर राइट्स रीट्स। और ये क्या है, ये किस लिए, शायद ये है कि अपने धार्मिक जो विश्वास थे उनके जो सेक्रीफाई यानी जो बलि देने का जो काम होता था, शायद उसमें इनको यूज़ कर वहाँ पर यूज़ होता था ये सारे चीज़। नेक्स्ट है टाउन हॉल, ठीक है। देयर वॉज अनदर लार्ज बिल्डिंग विथ थिक वॉल सपोर्टेड बाई पिलर। और वहाँ पर एक और दूसरी बड़ी बिल्डिंग मिली है, ठीक है, जहाँ वो पिलर से उसको सपोर्ट किया गया है। इट माइट हैव बीन यूज एज असेंबली हॉल फॉर द सिटी गवर्नमेंट एंड और प्रेयर हॉल बाय द पीपल। शायद इसको किस लिए यूज़ किया जाता था, या तो असेंबली हॉल के लिए यूज़ किया जाता था, या फिर जो लोग थे वो प्रार्थना के लिए इसको यूज़ करते थे, ठीक है, या सरकार में जो सरकार जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो उसको असेंबली के लिए यूज़ करती थी जब कोई सभा बुलानी होती थी, ठीक है। इट वाज नाउन एज टाउन हॉल, इसको टाउन हॉल के नाम से जाना गया है। दीज वर द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द सेटाडल्स, और ये सेटाडल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है। नेक्स्ट ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन साइट्स वाज वन ऑफ द बेस्ट नाउन एस्पेक्ट ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग। और जो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम है, यानी जल निकासी, जल के निकलने का जो वहाँ का जो साधन है, सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इस टाउन प्लानिंग का एक बहुत बड़ा पहलू है, ठीक है। ड्रेन वर लेड आउट टू आइदर साइड ऑफ द रोड, और ड्रेन्स का था रोड के दोनों तरफ, ठीक है, वहाँ पर जल निकासी की सुविधा थी। स्वेज वाटर वर डिस्चार्ज थ्रो वेल कवर्ड स्ट्रीट ड्रेन मस्ट बी लिंट बर्न ईट। और जो नालियाँ थी उसका पानी जब निकलता था तो वो क्या थी, स्ट्रीट या फिर स्ट्रीट्स जो ड्रेन था वो भी पकी हुई जो ईंटें होती थी, क्लिन की जो पकी हुई ईंटें होती थी उनसे ढका होता था, यानी ये हम कहें कि नालियाँ जो थी वो कवर्ड थी वहाँ की, ठीक है। एट रेक्टेंगुलर इंटरवल देयर वर मेन होल फॉर रेगुलर क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। और जो रेगुलर इंटरवल था
ठीक है, वहाँ पर एक मेन होल होता था जहाँ जिसकी जो है मेन होल फॉर रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर क्लीनिंग के लिए या इंस्पेक्शन के लिए होता था, यानी उस ये जो नालियाँ थी इनका पानी उस मेन होल में जाता था। दिस ड्रेन वर सम टाइम कवर्ड विद ब्रिक एंड सम टाइम विद स्टोन स्लैब्स। और ये जो मेन होल्स हैं कहीं पर हमें ये ईंटों से ढके हुए मिले हैं और कहीं पर ये हमें स्टोन की स्लैब से, पत्थर की बड़ी बड़ी स्लैब से। ठीक है बेटा, इस आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ की नालियाँ ऐसे एक से अटैच होती थी, 90 डिग्री के एंगल पर बनी होती थी, और ये क्या करती थी यहाँ से इनको ईंटों से, ये देखिए आप देख सकते हैं कि ईंटों की बनी हुई होती थी। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रीट, वहाँ की जो सड़कें थी, द रोड एंड स्ट्रीट वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। वो एक ग्रिड के पैटर्न में बनी हुई थी, ठीक है, जैसे कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई, ठीक है, यानी कैसे बनी होती थी इस तरीके से, जैसे रोड हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, ऐसे बनी हुई होती। ठीक, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल, किस कैसे एंगल पर काटती थी वो उनको, राइट एंगल पर। इट अपीयर्स दैट द स्ट्रीट ड्रेन वर लेड आउट फर्स्ट एंड देन हाउस वर बिल्ट अलोंग देम। ये देखा गया है कि जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट विद ड्रेन वर लेड आउट, सबसे पहले रोड बनाई गई, और वो भी किसके लिए, जल पानी के निकलने के लिए, ठीक है, के साथ साथ, और उसके बाद घर बनाए गए। ठीक है, यानी पहले रोड और नालियां बनाई गई थी, बाद में घर की सुविधा प्रोवाइड हुई वहाँ पर। द रोड रेन पैरलर टू ईच अदर, और रोड क्या होती है, एक दूसरे के पैरलर हैं और कट करती हैं राइट एंगल पर स्मॉल रोड्स को। ठीक है, वर्कट एट राइट एंगल बाय द स्मॉलर रोड, छोटी छोटी रोड के द्वारा वो राइट एंगल पर कट होती हैं। दे वर पेव्ड विद बर्न ब्रिक एंड वर राउंडेड ऑफ एट कॉर्नर। वे किससे बनी हुई हैं, जो आपकी पकी हुई ईंटें हैं उनसे बनी हुई हैं, और कॉर्नर तो वो राउंड हो जाती हैं। ठीक है,